ला भाई भाई बाहर तो हो चुकी है बारिश। अपना सही है यार भाई, ये मौसम में सबसे बेस्ट लगता है यार मेरे को भाई। ये देखना अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। तो भाई नहा धो के अपना हो चुके सेट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। ये कहना तो मैं भूल गया। चलो तो गाइस अभी के सीन कुछ ऐसा भाई, मैं वेट कर रहा हूँ भाई अपने टायर का। ठीक है, आज मेरा भाई जो बाइक का टायर है ना वो आने वाला है स्प्लेंडर का। थोड़ी आवाज़ तुम वैसी देख रहे होगे भाई, मेरे हो रखा है जुकाम, मौसम बदल रहा है ना, जुकाम हो रखा है तो उसकी वजह से ना थोड़ी आवाज़ भी वैसी हो रही। बाहर खड़ी अपनी स्प्लेंडर, एक बार तुम्हें वो भी मैं दिखा देता हूँ। और उसके इंजन की हमने बातचीत की थी ना भाई कि हम उसका इंजन चेंज कर रहे हैं, तो उसकी भी मैं तुम्हें एक बार बताऊँगा। पहले उसको थोड़ा अंदर ले आते हैं ना, फिर उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये घड़ी अपनी स्कॉर्पियो, ये घड़ी अपनी रानी। ला भाई सारी गंदी हो चुकी है भाई, गंदी इसलिए हो रखी है तुमने पता भाई, हाँ देख रहे हो कौन तक मिट्टी हो रखी है यार। ला भाई भाई इसको वॉश मैं अभी नहीं करूँगा, इसको वॉश करेंगे हम बारिशों को ख़त्म होने के बाद। पहले एक बार इसको अंदर ले चलते, फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो भाई अपनी जो स्प्लेंडर है वो आ चुकी है भाई अंदर। ठीक है, तो एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो भाई, स्प्लेंडर गंदी कितनी हो रखी है, देखना है ना कितनी गंदी हो रखी है भाई। मैं इसको वॉश इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि भाई तुम्हें पता है बारिश का मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में भाई ये होएगी होएगी गंदी, क्योंकि इसमें फ्रंट मेंबर गार्ड नहीं है और पीछे का तो भाई कुछ सिस्टम है ही नहीं इसमें ना। ये तो टेम्परेरी लगा रखा है कवर भी, वरना ये भी मैंने पहले हटा रखा था, तुमने देखा होगा पहले पिछले ब्लॉग्स में। तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई टायर का, मेरा टायर है जो स्प्लेंडर का वो आज आने वाला है, बड़ी बड़ी गुड्डियों वाला है ना, तुमने देखा होगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो वो आज आने वाला है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वैसे तो फिलहाल टाइम हो रहा है 2:38, उसकी ना वो दिखा रखी थी अभी की डेट दिखा रखी थी कुछ आज की है ना टुडे की, तो वो आने वाला था, मैं उसका वेट कर रहा था। तो मैंने कहा भाई एक बार स्प्लेंडर के बारे में तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई वॉश करेंगे इसको अपना मौसम ख़त्म होने के बाद, ठीक है। और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भाई अपना इंजन चेंज करने का ना, तुम्हें मैंने बताया भी था अभी कुछ दिन पहले कि मैं अपनी स्प्लेंडर का भाई इंजन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, दम तो बहुत है पर इन टायरों के लिए इसमें दम नहीं है भाई, है ना। ये हल्के टायरों के लिए इंजन बने हैं, मतलब जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ठीक है, पतले टायर से, तो पतले टायर से ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, पर मुझे भाई इसमें पतले टायर डालने नहीं है क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, है ना। तो इसलिए हमने इसमें बहुत बड़े टायर डाल रखे, पीछे भी देख सकते हो 130 है और फ्रंट में भाई 130 नंबर का टायर, बहुत ही ब्रॉड है ये देख रहे हो। ठीक है, तो मैं भाई वीडियो में इतना नहीं दिख रहा होगा बट रियल में आप देखोगे ना तो ये बहुत ब्रॉड है, तो क्या लग गया। चलो तो भाई मेन मुद्दे पे आते हैं, अपना जो इंजन है ना स्प्लेंडर का है, हम ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रीज़न मैंने तुम्हें काफ़ी बता भी रखे हैं और फिर से एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक तो भाई बाइक दम नहीं लगा रही है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा भाई रीज़न ये है, ऑफ रोडिंग वगैरह भाई हम करते रहते हैं तुम्हें पता है, तो ऑफ रोडिंग में ना भाई वो परफॉर्मेंस ये नहीं दिखा रही है क्योंकि टायर बहुत चौड़े हैं और टायरों में ना भाई वो ग्रिप वगैरह नहीं है। टायर तो चल जाता है भाई, टायर तो मैंने मंगा दिया बट इंजन में भी तो जान होनी चाहिए, इंजन में भी तो पिक वगैरह होना चाहिए, वो इसमें है नहीं, तो हम इसको ना चेंज कर रहे हैं। मैंने इसमें बहुत सारी वो भी करा रखी है भाई मॉडिफिकेशन वगैरह इंजन में, तुम्हें पता है RTR की मैंने क्रिस्प प्लेट भी लगा रखी है और ऑयल वगैरह मैं ऐसे अलग अलग डालता ही रहता हूँ, और भाई मैंने करंट वगैरह का भी थोड़े एक्स्ट्रा जुगाड़ किया था, पर बात नहीं बन रही है। जो मैं मतलब सोच रहा हूँ ना, जो परफॉर्मेंस मैं कराना इससे चाहता हूँ वो इससे नहीं निकल रही है। मैंने डिसाइड किया भाई इसका इंजन चेंज करने की, ठीक है, हम इसमें डालेंगे अपाचे RTR का इंजन, ठीक है। मैं बहुत जल्दी उसे डालना चाहता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खुद ही, ठीक है, तुमसे ज़्यादा, मुझे पता है तुम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगे पर मैं तुमसे भी ज़्यादा हूँ भाई, मैं देखना चाहता हूँ भाई RTR का इंजन इसमें डल के कितनी तगड़ी भगेगी भाई, कितनी तगड़ी भगेगी, कितना तगड़ा पिकअप आएगा ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई। मैं कल अपने 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे ना, तो इसी चक्कर में नहीं आ रहे भाई, वो मैं इंजन है ना जो उसको भाई ढूंढ रहा हूँ। अरे मेरे होठ पे क्या लग रहा है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मैंने कई मिस्त्रियों से बातचीत भी की है, कई मिस्त्री कह रहे भाई उनके पास है भी, पर वो कह रहे कि भाई पहले आपको इंजन देना पड़ेगा और फिर हमें इंजन लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो इंजन है ही नहीं RTR का, मुझे तो चाहिए ही एक, है ना, पहली मैं मांगता डोल रहा हूँ, पर वो कह रहे भाई कि आपको RTR का इंजन हमें देना पड़ेगा और फिर हमारा इंजन अपना लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास इंजन नहीं है, मैं खुद इंजन लेने के लिए घूम रहा हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे भाई हम ऐसे इंजन नहीं देंगे सिंगल, आपको बदले में इंजन देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है, आप ये सेल करो तो बात करें। वो कह रहे भाई ऐसे नहीं होगा, तो वहाँ से बात बिगड़ गई है। एक दो जगह और मैं ट्राई किया, ठीक है, अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अभी मैं अपना इंतजार कर रहा हूँ टायर का। अगर मैं चला गया कहीं पर तो टायर अपना भाई आज कैंसिल हो जाएगा, और फिर डिले हो जाती है ना इस चीज़ में, तो फिर हो ही जाती है, ठीक है। और पेमेंट वगैरह मैंने कर भी रखी, कभी मेरी पेमेंट भी फंस जाए और टायर भी ना मिले, तो आज
टायर का वेट करते हैं और टायर लेते हैं अपना और टायर डला के देखते हैं स्प्लेंडर में, है ना, फिर उसको चला के देखेंगे फिलहाल इस इंजन से, है ना। पर एक बार वो आ जाए, ठीक है, उसे आ जाने दो एक बार, फिर देखते हैं। भाई भाई मौसम इतना मस्त हो रहा है ना, टेम्परेचर भी इतना नॉर्मल हो गया, पहले जितना नहीं है। जैसे पहले जा रखा था ना भाई 45, है ना, 40-45 ऐसे चल रहा था, अब तो भाई 30-29 चल रहा है दो तीन दिन से। हाँ भाई क्या, हट जाओ। ये गाइस हमारी दादी है, भाई ऐसी है अपने बदमाश है, मैं हट जा साइड में उड़ा दूंगा स्प्लेंडर ते, ओह गिरवा देती अभी धक्का दे चल। तो भाई अपने जो फुटरेस्ट है ना, इनको भाई मैं कई दिनों से लगाने के लिए घूम रहा था, तो फाइनली भाई ग्लेंडर अपना आ गया है, तो अब लगाते हैं इनको। पहले भाई स्प्लेंडर खड़ी करते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहीं पे ही बिजली का स्विच है, ले गई हो तो वहाँ पे ही बिजली का स्विच है भाई, वहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो वो पड़ा है ग्लेंडर ये रहा भाई, तो यहाँ पे लगाते हैं। तो पीछे है ना भाई दूसरा बंदा जो बैठता है ना, उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है बहुत ज़्यादा, तो ये ना लगाने बहुत ज़रूरी है। और इनके लगाने के लिए मैं घूम ही रहा था, एक ग्लेंडर नहीं था अपने पास, तो अभी आ गया है, तो एक बार इनको लगाते हैं। लगाने का रीज़न, ना लगाने का रीज़न ये है भाई, ये ना घिसने पड़ते हैं यहाँ से, क्योंकि ये दूसरी बाइक के है ना, ये अपाचे RTR के है, तो लग नहीं रहते। अब यहाँ से ना इनको घिसेंगे थोड़े, फिर जाके फिट आएंगे, एक बार तुम्हें करके दिखाऊंगा मैं। तो भाई अभी एक चीज़ देखना, अब मैं जैसे लगाऊंगा ना इसको, तो इसका होल आउट आएगा बहुत, देखो ये देख लो इसका होल आउट आ रहा है ना, तो यहाँ से घिसना पड़ेगा हमको और फिर जाके सेंटर में आएगा। तो एक बार घिसते हैं इसको, फिर तुम्हें लगा के दिखाता हूँ। तो भाई अपना एक फुट रेस्ट तो पीछे का हो गया भाई फिट, ठीक है, ये यहाँ से भी घिसा है और इसकी ये पिन है ना, पिन ये भी घिसी है भाई, क्योंकि ये होती थोड़ी मोटी और इसमें लगती थोड़ी पतली, तो ये भी हमें थोड़ी घिसनी पड़ी, और यहाँ से देखो थोड़ी ऊंची रहेगी क्योंकि यहाँ से नहीं घिसी है। तो यही सेम चीज़ भाई हमें दूसरे फुट कौन यही सेम चीज़ भाई हमें दूसरे फुट रेस्ट के साथ करनी पड़ेगी, इसकी पिन भी घिसनी पड़ेगी और ये फुट रेस्ट भी घिसना पड़ेगा, तब जाके लगेगा, है ना। पर देखो सही लग रही है अब, है ना, ये देखो ये वाले अच्छे लगते हैं, इन पे यार पैर भी अच्छे लग जाते हैं और मतलब ठीक भी लगते हैं। ये थोड़े ज़्यादा छोटे थे, जैसे पीछे दो बंदे बैठ जाते हैं ना, तो जो दूसरा बंदा होता है ना तीसरा, उसका पैर नहीं रख पाता, तो इन पे ना रख जाएगा थोड़ा, सही है ना। तो इधर की साइड वाला और लगाते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस और कर रहे होगा भाई, ये जो फुट रेस्ट है ना ये बाहर ज़्यादा है ना, ये भाई साइलेंसर की वजह से है, तो हमें ये भी थोड़ा बाहर करना पड़ेगा, ये रहता नहीं है पर करना पड़ेगा ये, ठीक है, चौड़ाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये।
भाई फाइनली अपने दोनों फुट रेस्ट भाई लग चुके हैं बिल्कुल परफेक्ट। ये थोड़ा हिल रहा है यार, कोई नहीं ऐसे तो हिलेगा ही है ना। चलो अब सही लग रही पीछे भाई है ना। तो भाई फिलहाल अपना टाइम हो रहा भाई 7:42 और भाई ऑर्डर है ना जो अपना वो अभी नहीं आया, पता नहीं क्यों यार भाई ऑर्डर नहीं आ रहा अपना है। तो भाई अभी जा रहे हैं अपना खा पी के वॉक पे। वो क्या है हाइट, अरे वो टायर मंगाया था, टायर मंगाया था मैंने। आदमी पड़ो खत्म है पर एक नंबर का आदमी। अच्छा ओ चलो भाई साइड होगी ताई जवान हो रहे वालक। मैंने शुरू तक यही ना शेखर कुछ भी हो ये आदमी एक नंबर पड़। हाँ यार ऑर्डर नहीं आ रहा। ओए ओए मारेगा इसको। अरे वो टायर मंगाया था ऑफ रोडिंग वाला मोटी गुड्डी वाला। आज की डेट थी पता नहीं भाई आया नहीं आज पता नहीं कैसे। और भाई अपना जो उसका नंबर होता है ना जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह में तो उसका नंबर दे के रखते हैं भाई जो भी वो अपना लाता है प्रोडक्ट, पर अमेजोन में भाई वो नहीं दे रखा। और बाकी भाई मौसम एक नंबर का हो रखा है बिल्कुल बढ़िया। और ये पीछे अरे कैसे है भाई है? भाई जिम पे से यहाँ तक गुत्ते ही आ रहे हो। एक दो हाथ करी लो इस कूड़ी में मर जाएगा। ला भाई व्यू देख रहे हो मौसम इधर मस्त हो रहा है भाई। ओ बेचे अरे कर लो तुम दो दो हाथ कर लो भाई यहाँ पे। अरे दो दो लाइक हो भी है तो ये एक में मर जाएगा। चलो भाई वैसे भाई मैंने उसमें ना वो देखा है टाइम देखा 10 बजे और दिखा रहा 10 PM। अच्छा रात को 10 बजे तक। हाँ कोई ना 10 बजे ले लेंगे वैसे भी हम 1 बजे सो गए। ला भाई भाई फिलहाल टाइम हो रहा अपना 9:38। मैं और तनुज भाई अपने घूम रहे हैं भाई। उनका टाइम था अपना 10 कुछ बजे का ना भाई। भाई 10 बजने वाले पर अपना ऑर्डर है ना जो वो नहीं आ रहा। अच्छा भाई मैं तो सोच रहा था अभी आ जाएगा पर नहीं आ रहा भाई वो। अब क्या करा भाई कल आएगा थोड़ी बहुत देर और देखे भाई। मुझे तो लगता नहीं है वो आएगा आज। हम तो घूम घूम के और थक लिए। अरे कुत्ता तो खा जाएगा। चलो भाई जिम पे जा रहे हैं भाई फिलहाल। अभी थोड़ी देर वेट और कर लेते क्योंकि 10 बजे का ना टाइम दे रखा उन्होंने 10:10 PM। मैंने कहा भाई 10 बजे तक आ ही जाए तो देख ही लेते पर मुझे लगता नहीं है 10 बजे तक आएंगे क्योंकि बजने वाले हो थोड़ी बहुत देर में। अभी तक तो कोई मैसेज वैसे आया नहीं है।